नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक समरी इन हिंदी। जी हाँ, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जो 13 चीज़ें जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी, ये उन लोगों को लिए हैं जो असफलता के दुख में डूबे पड़े हैं और एक नीरस जीवन काट रहे हैं। इस जीवन से सीख मिलेगी किस प्रकार एक बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं और यह उन्हें अपने दुखों से निकलकर जीवन को नए तरीके से जीने का मार्ग दिखाएंगे। इस किताब की लेखिका है एमी मारिन। वो एक समाज सेविका एवं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। यह बुक समरी किनके लिए है? पहला नंबर, जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद पर अफसोस करते हैं। दूसरा नंबर, जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की जरूरत है। तीसरा नंबर, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। चौथा नंबर, जिन लोगों के घर में विवाद और अशांति का माहौल है। 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक समरी इन हिंदी। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद और ऊर्जा बर्बाद न करें। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, पर अपने नज़रिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज़ उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर वह जो चीज़ काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए जो किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर खराब हो जाता है, तब ज़्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान को अपना अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं है। ज़्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें एवं दूसरों पर काबू करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान को अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से विचलित नहीं होते एवं दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में दुख सुख आना स्वाभाविक है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें एवं समय और ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करें। दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान न दें। बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है, यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए ये भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। उन्हें विचारों पर पूरा विश्वास होता है एवं किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वे दूसरों की बातों में अपना समय न बर्बाद करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हमें मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, मगर वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग अपने नींद को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेलकूद या नाचने गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना जरूरी है। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते।
पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं रहता। वह आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं और आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम लोग एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दुनिया की आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर सीधे साधते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? वास्तविकता में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता, वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वे अपनी वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुख पहुंचाने वाले से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों को मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपनी समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? वास्तविक में किसी की जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हम दूसरों के जीवन का अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो वास्तविक में नहीं होता है। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। वो किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अनाज के साथ घुन भी पिसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुँचाने वाले से भी दूरी बनाकर रखते हैं। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। हम दिन भर की भागदौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में जिंदगी दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन की शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योग अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक साथ दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वह दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीज़ों से अपना मन व्याकुल नहीं करता। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वह पुराने दिनों को की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा या गरीब और असहाय की मदद। साथ ही हमारी जिंदगी में धैर्य बहुत ही आवश्यकता है। कोई व्यापारी अगर सीधे सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन से उसको लाभ प्राप्त होगा तो यह असंभव नहीं। कोई छात्र अगर सोचे परीक्षा के दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम स्थान मिल जाएगा तो यह भी संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत से धैर्य की असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा ना रखें। ज़्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वे सही मौके या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोगों दूसरों पर निर्भर करते हैं। कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता और ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते।
वही एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आता है। बचपन से ही अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, साफ सफाई हो, या अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं, समय और परिस्थिति चाहे जितनी प्रतिकूल हो इनका मनोबल नहीं तोड़ पाते। ये दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते, ये अपने काम को करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते हैं। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा न रखें मगर समाज की भलाई की सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे इंसान को लाभ पहुँचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ अन्य लोगों का भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण ये लोग अपना आसपास के पर्यावरण को साफ रखना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी भी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज़्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों में प्रिय बन जाते हैं। कंक्लूजन, यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें खराब विचारों और खराब संगति से बचना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। यह हमें बुद्धिमान व्यक्ति की भी शांति अपने सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।